नमस्ते, मैं राष्ट्रीय 20 बड़ी खबरों से करेंगे शुरुआत। सुशांत सिंह मामले में आज सीबीआई जांच का है पांचवा दिन। आज फिर नीरज सिद्धार्थ से सीबीआई पूछताछ कर रही है। रजत मेवाती भी पूछताछ में शामिल है। सीबीआई ने मुंबई पुलिस के दो सीनियर ऑफिसर से भी पूछताछ की है। मुंबई में डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ की गई। सीबीआई अब सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराएगी। सीएफएसएल लैब में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी होगी। सीबीआई दोस्तों करीबियों से सुशांत के व्यवहार पर चर्चा करेगी। सीबीआई सुशांत की मौत के दिन से लेकर पहले के कुछ दिनों में उनके व्यवहार और रहन सहन का अध्ययन करेगी। सीबीआई सुशांत के दिमाग का अध्ययन करेगी। सुशांत के नोट्स, चैट, किताबों की रिसर्च होगी। सुशांत केस में ऑटोप्सी पर सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाए। कहा जानबूझकर ऑटोप्सी में देरी की गई, सुशांत के पेट में मिले जहर को ताकि छिपाया जाए। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने सीबीआई जांच से संतुष्टि जताई। कहा हम सीबीआई जांच से संतुष्ट हैं, जल्द सीबीआई खुलासे करेगी। सुशांत की बहन श्वेता ने शादी का एक वीडियो शेयर किया, लिखा गले से लिपट कर रो पड़ा भाई, काश लौट आते वो दिन। भारत के खिलाफ पाकिस्तान में साजिश जारी है। रावलपिंडी में मसूद अजहर के भाई अमीर अशगर और आईएसआई के दो आला अधिकारियों के बीच बैठक हुई। भारत में हमले को लेकर के प्लानिंग की गई है। बैठक के बाद भारतीय खुफिया एजेंसीज ने हाई अलर्ट जारी किया। पुलवामा हमला मामले में एनआईए आज चार्जशीट दाखिल करेगी। पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हुए थे। सोनिया गांधी को कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष चुनने के बाद कांग्रेस के G23 नेताओं के बीच बैठक हुई। बैठक में गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जैसे तमाम बड़े नेता मौजूद थे। प्रियंका गांधी ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला। क्राइम ग्राफ की तस्वीर शेयर करके लिखा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रियंका ने लिखा यूपी सरकार बार बार अपराध की घटनाओं पर पर्दा डालती है, लेकिन अपराध का मीटर प्रदेश में दोगुनी स्पीड से भागने लगा है। यूपी के बलिया में पत्रकार की गोली मारकर हत्या की गई, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक 5 मंजिला इमारत गिर गई। बिल्डिंग में कुल 40 से 45 परिवार रहते थे। मौके पर एनडीआरएफ की दो टीमें मौजूद हैं। लगातार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। हादसे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। देश में अब तक कोरोना के 31,67,324 केस सामने आए हैं। इनमें 7,00,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 6,93,398 के सामने आए। इनमें 22,465 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना से अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 58,90,000 के पार चला गया, जबकि मरने वालों की संख्या 1,80,000 से ज्यादा है।